Hi guys, assalamualaikum, welcome back to the channel. फिर से आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक और ट्रिप के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन शुक्रान तक कंफर्म है। और मेरे साथ दो दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। वो एक माशाल्लाह से सिंध से आया घूमने के लिए और दूसरे जो हमारे भाई हैं वो पेशावर से हैं। तो मैं भी आपको उनसे मिलवाता हूँ। और रात को हरिपुर पहुँच आए थे उनको, फिर मैंने मैस में स्टे कराया। अभी उनको मैस से पिक करते हैं, तो बस इंशाल्लाह फिर आगे निकलते हैं। मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और तैयारी फुल अरूज पे है। सही सामान शामान के साथ अभी जा रहे हैं क्योंकि ट्रिप थोड़ा लंबा है, वन डे ट्रिप नहीं है। तकरीबन हो सकता है दो दिन लग जाए, तीन दिन लग जाए। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी इंजॉय करेंगे। पीओए पवेलियन गेंट मेंटर हो गया हूँ और यहाँ मेरे फादर दरअसल में जॉब करते हैं। जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते। मुझे यही बेहतर लगा कि इनको इधर ठहरा दिया जाए। ये हमारा गेस्ट हाउस है, ऑफिसर्स क्लब है और सामने स्विमिंग पूल है, बड़ा VIP किस्म का। और यहाँ से अभी ये लोग निकलेंगे बाहर। ये मेरा जो दोस्त है ये माशाल्लाह से पेशावर से आया हुआ है और ये भाई तो सिंध से आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। ये दोनों मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं और हम लोग तकरीबन 4 साल साथ पढ़े हैं। मैं इनके पास हॉस्टल्स में रहता भी रहा हूँ। पेपर्स एग्ज़ाम वैसे तो मैं डेली आता था लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो फिर इनके पास रहता था। तो ये मेरा टीचर है जैसे काफ़ी पेपर क्लियर करवाए हैं क्योंकि इसके जो पढ़ाने का अंदाज़ था ना वो बहुत ही VIP किस्म का अंदाज़ था। ये भाई जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। किसी दिन अगर मुझे मौका मिला मैं इनको रिकॉर्ड करके आप सबका सुनाऊंगा। इनकी जो बातें हैं वो इतनी, ये बताएंगे जी ये पत्थर है, वो पत्थर है, इनके बीच में एक पत्थर है, आपने इस पत्थर को उससे कंसिडर, इस तरह की एग्जांपल्स दे के समझाते थे पर जो हमें समझ आती थी। खैर हम निकल पड़े हैं। अभी हम हज़ारा मोटरवे पे हैं, हज़ारा एक्सप्रेस वे पे हैं और अभी हम मानसर ट्रेन से उतरेंगे तो देन इंशाल्लाह आगे नरान की तरफ मूव करेंगे। नाश्ता नहीं किया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्रेक की। मुझे जगह का नाम नहीं आता, बालाकोट के बाद जगह आती है अक्षर होटल के नाम से। वो ऊपर बैठते हैं। द बॉयज आर देयर। शुक्राना हम लोग पहुँचे हैं और गाड़ी हमने इधर पार्क कर दी अपनी। अब एक जीप कराई है, सिरीपाई जा रहे हैं। मैं पहले नहीं गया हुआ सिरीपाई तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ पर तो ठंड है, काफ़ी अच्छा मौसम है माशाल्लाह से। तो ये देखें अभी हम आपको रास्ते में सफ़र दिखाते हैं, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो जी सरी भाई का सफ़र जी हमारा शुरू हो गया। ये हमारे भाई हैं फिर गई लोकल हैं। हम लोग सरी पहुँचे हैं इस आगे वो रास्ता पाई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने जीप वाले भाई ने थोड़ा स्टे लिए, आधे घंटे का स्टे है। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आज है, देखते हैं। फोटो खा
bike. सीरी भाई हम लोग पहुंचे हैं, सीरी भी नहीं बल्कि सीरी से हुए हैं पाई पहुंचे हैं। अभी इधर बैठे हैं, हमने के थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। ये देखें, इससे आगे पाई की जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है, आना जाना जाना 1.5 किलोमीटर, तो स्ट्राइक पे जाएंगे इंशाल्लाह। वॉक करके हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो हॉर्सेस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमने वॉक को प्रेफर दी क्योंकि हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आए हुए थे और थोड़ा सा वॉक भी होनी चाहिए, इस वजह से वापसी भी देखेंगे अगर मूड हुआ तो हॉर्स पे आ जाएंगे। बड़ा प्यारा व्यू है, देखें चेक करें भाइयों, चेक करें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतनी रिफ्रेशिंग एयर है, इतनी रिफ्रेशिंग के बंदा नहीं अंदाजा लगा सकता वीडियो कैमरे से। हम शोग्रान वापस पहुंचे हैं, बड़ा ही थकावट सी फील हो रही है क्योंकि ये कोई इतना अच्छा सफ़र नहीं था। आपको पता है जीप का कंफर्टेबल तो नहीं होता। नारायण के लिए निकल रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या है करने को। ये शोग्रान से वापसी पे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ हुआ, इतना ज़्यादा ये इंक्लाइंड है कि एक तो गियर में जाना पड़ता है, आते हुए तो आपकी गाड़ी को मतलब सांस मिलता ही नहीं है कहीं पर, ज़रा सा भी, फुल चढ़ाई है। तो खैर ये गाड़ियाँ तो चढ़ जाती हैं जो नॉर्मल है उनका, हम लोग भी बस तो अभी ये जो ये गाड़ी आपने देखी है ये अब तेज़ थी वापसी पे, तो इन लोगों को सेंस नहीं होता। तो बस मैं एक और एक्सीडेंट यहाँ पर मिला वापसी पे उतराई पे, पूरी गाड़ी उल्टी हो गई ऊपर से है भी प्राडो। रास्ता रिस्की है भाइयो, और रास्ता रिस्की है, देख के चलाएं, एहतियात करें, आराम से आएँ, कोई इतनी जल्दी तो नहीं है। हम लोग अभी नारान पहुँचाए हैं। वैसे तो प्लान ये नहीं था, हमारा प्लान था कि हम लोग रास्ते में कहीं स्टे करेंगे और सुबह नारान पहुँचेंगे, नारान आएंगे, लेकिन फिर प्लान ये बना कि अभी नारान जाते हैं और शायद सुबह हम उठ के बाबूसर टॉप निकल जाए, तो इसलिए फिर हमने कहा नारान पर अभी पहुँच गए जाते हैं। फिर अभी हम नारान पहुँचे हैं तो नारान बाजार में एंटर हो गए, कोई रूम शूम देखते हैं अल्लाह करे कोई मिल जाए अच्छा सा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे होटल से व्यू, चेक करें, चेक करें। भाई होटल झील रोड पे था और यहाँ से जीप जा रही हैं आगे झील सफल मलूक की तरफ। ये हमारा रिजॉर्ट था जिसमें हमने स्टे किया है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर कोई आना चाहे तो। झील रोड पे सामने पार्किंग ये भी है, ये भी इनका सामने प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, और इतना दूर भी नहीं है, नारायण बाज़ार में ही है तकरीबन। नारायण बाज़ार यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे। हम वापस आके इधर ही चेक इन करेंगे, अभी हमारा प्लान है बाबूसर टॉप जाने का, तो उसके लिए अभी हम निकल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस आके और साथ साथ जो भी है आज दिखाने को अपने लिए भी रिकॉर्ड करते हैं, आपको भी दिखाते हैं।
हमने यहाँ पर ब्रेक ली है, हम आज बारबेक्यू का प्लान है तो चिकन वगैरह धुल रहा था यहाँ पर, बड़ा अच्छा ताज़ा पानी आ रहा था और भी जगह पे था आधा रास्ता था, आपने कहा चलो गाड़ी को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी, गाड़ी का भी ख्याल रखें आप लोग भी जब भी आए, ब्रेक लेदर जो है गर्म हो जाती हैं कंटिन्यूसली चल चल के। 30 किलोमीटर तो हम लोग समझे 70 था, 30 रह गए बाबू सेट और तो कुछ सामान है गिटी वगैरह। चिकन किधर है जानी? चिकन अंदर है, चिकन निकालो ना। अभी लुलू सर के करीब पहुंचे हैं या पता नहीं पहुंच गए हैं, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतनी प्यारी झील बनी हुई है माशाल्लाह। हमने कहा थोड़ा स्टॉप लेते हैं और बाबू सर टॉप ऑलमोस्ट हमसे तकरीबन मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ है मेरे हाल से 16 किलोमीटर। बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसने मौसम को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। हम लोग बाबू सर टॉप के करीब हैं और इस रोड को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। जानी चेक करें गाइस, वर्थ इट है सब कुछ, अल्लाह की कुदरत है, डिनाई नहीं कर सकते। हमारी तारा राम पम हमें यहाँ तक पहुँचा लाई है। बाबू सर टॉप यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। ये व्यू बहुत प्यारा था तो हम लोग रुक के चेक करें बस। बाबू सर टॉप के बाज़ार में हम पहुंच आए हैं, हाँ ऊपर भी कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा इधर वॉक चॉक कर रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम है, 4-5 डिग्री होगा आई थिंक सो। This is Bouncer Top. ये ऊपर से आई है गाड़ी, आराम से ड्राइविंग करें भाई, आराम से।
बड़े एक्सीडेंट्स हैं यार रास्तों में। बाउसर से वापसी पे ब्रेक ली है खाने की, तो हमसे यहाँ पर आग नहीं लग रही, हवा बहुत तेज थी इस वजह से। लेकिन ये देखें ग्रिल पूरी है, लेकिन बॉयज आग लगा रहे हैं, कोशिश में है कि लग जाएगी इंशाल्लाह। वाजुआ एक मिनट रुक, इससे प्यारी लोकेशन हो सकती है भाई कोई? हाँ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मानसेरा तकरीबन 10-15 किलोमीटर रह गए, पर मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। वहाँ पर भी अपना ही मज़ा था और यहाँ पर भी अपना ही मज़ा है पहाड़ों का। चलिए जी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बाकी दोनों बॉयज़ को मैंने अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी और ट्रिप के साथ, किसी और मेमोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह, अपना भी ख्याल रखें और दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।